नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि ये दिवाली आपकी सबसे बेहतरीन दिवाली हो और जो आप चाहते हो वो आपको जरूर मिले। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी दिल्ली से देहरादून जाना चाहते हैं और कम समय में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आप जल्द ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली से देहरादून तक सिर्फ कुछ घंटों के सफर में पहुंच सकते हैं। इस साल दिसंबर तक ये एक्सप्रेसवे पूरा होने की पूरी पूरी उम्मीद है। फिलहाल दिल्ली से देहरादून की यात्रा में लगभग हमें 5.5 से 6 घंटे लग जाते हैं और कभी कभी तो ज्यादा भी लग जाते हैं। तो चलिए कैसी होगी आपकी यात्रा की दूरी कम, इसके बारे में भी बता देते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार एक बार एक्सप्रेसवे पूरा हो जाएगा तो दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय घटकर सिर्फ 2.5 घंटे रह जाएगा। जी हाँ, आप 2.5 से 3 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे और दिल्ली से हरिद्वार की यात्रा 5 घंटे से घटकर सिर्फ 2 घंटे की रह जाएगी। 264 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे और हरिद्वार से इसके लिंक्ड रोड पर लगभग 14,285 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इसका पूर्ण विस्फोषण सरकार द्वारा किया जाएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने वाले वाहनों के लिए 7 एंट्री पॉइंट होंगे, जो अक्षरधाम, गीता कॉलोनी, शमशान घाट यानी कि कैलाश नगर, सोनिया विहार, विजय विहार और मंडोला में स्थित है। खजूरी चौक, सोनिया विहार, विजय विहार और मंडोला में निकास उपलब्ध होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाने वाले यातायात के लिए प्रवेश बिंदु मंडोला, विजय विहार और 5वां पुस्ता पर होंगे। मंडोला, लोनी, विजय विहार, उस्मानपुर, शमशान घाट यानी कि कैलाश नगर, गीता कॉलोनी और अक्षरधाम में निकास भी प्रदान किए जाएंगे। अगर आप यूपी से आते हैं तो यहाँ पर आपको एग्जिट पॉइंट दिए जाएंगे, यहाँ से आप नीचे उतर जाएंगे। इतना ही नहीं, देहरादून पहुंचने से वाहन चालकों को 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड भी मिलेगा। यह वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर घने जंगलों के ऊपर से गुजर रहा है, जिससे जंगली जानवर भी आपको कभी भी दिख सकते हैं। एक्सप्रेसवे का पहला चरण अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यानी कि ईपीई इंटरचेंज तक फैला हुआ है, जो दिल्ली में गीता कॉलोनी, शास्त्री पार्क और सोनिया विहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में विजय विहार, कासिम विहार और मंडोला जैसे इलाकों से होकर गुजरता है। इसके खुलने से कई यात्रियों के लिए हर रोज होने वाली ट्रैफिक जाम की समस्या पूरी तरह कम होने की उम्मीद मैं जताता हूँ। अगर आप भी दिल्ली से देहरादून यानी कि जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये रूट ज्यादा अच्छा रहेगा। काफी समय से इस रूट को स्टार्ट करने की बात करी जा रही है, लेकिन बीच में इसे खोला भी जा चुका है और लोग इसको यूज भी कर रहे हैं, लेकिन इसका उद्घाटन दिसंबर तक होने की पूरी उम्मीद है। यानी कि दिल्ली में फरवरी में इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले इसका खुल जाना तय माना जा रहा है। आप देखते हैं कि दिल्ली से देहरादून जाने के लिए ये एक्सप्रेसवे कब तक खोला जाएगा, लेकिन दिसंबर तक पूरी पूरी इसकी उम्मीद बनी हुई है। अगर आप भी दिल्ली से देहरादून जाते हैं या दिल्ली से यूपी जाते हैं तो आपके लिए ये एक्सप्रेसवे बेहद फायदेमंद साबित होगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए आप मेरे चैनल पर हमेशा बने रहे। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसी और वीडियो और एक्सप्रेसवे की जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहे। कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल